सो वेलकम बैक माई डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। सो आपको एक ही क्वेरी होगी यार, कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में तो हमें कंपास चाहिए होता है, राइट, पेंसिल चाहिए होती है, बिकॉज दैट्स नॉट अवेलेबिलिटी हुई। मैं आपको बोर्ड पे वो चीजें नहीं समझा सकता हूँ, बट इसका मतलब क्या मैं वीडियो ना बनाऊ, इसका मतलब क्या मैं समझाऊ ना, नो दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैंने सोचा था दैट चाहे कंपास ना हो चाहे कुछ भी ना हो मेरे पास, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा एंड मैं समझाऊंगा जरूर। सो कंस्ट्रक्शन में एक बार समझ लेते हैं है क्या करना आपको है, बट कंस्ट्रक्शन में समझ तो लेते हैं। सी मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द सेकेंड मोस्ट चैप्टर, दैट इज सेकेंड मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर। फर्स्ट इजिएस्ट है हमारा सर्कल्स, सेकेंड मैं इसको देता हूँ। अब बोलोगे कंस्ट्रक्शन में बड़ी मुश्किल है, इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी पड़ती है। मुझे एक बात बताओ, कंस्ट्रक्शन तुम करते हो या बाकी क्वेश्चन में वेराइटी आती है, इसमें कोई वेराइटी है? इसमें कोई वेराइटी है? तीन चार टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आने हैं और डायरेक्टली जो आना है वही ड्रॉ कर देना है। कुछ है इसमें कॉम्प्लिकेटेड नथिंग? क्वालिटी के क्वेश्चन देख लो, अलग अलग कहानियां बना के आ जाती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलग अलग कहानियां आती है, ये है तो वो क्या है, वो है तो ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है वैसा। अगर आपको एक टेंजेंट फाइंड करनी है तो आप वही डायग्राम बनाओ, वही टेंजेंट बना दो, वैल्यूज डिफर हो जाएंगी, क्वेश्चन डायरेक्ट वही के वही रहेंगे। So, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत ही चैप्टर है, इससे इतना परेशान होने की नहीं जरूरत। सो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं और समझाता हूं आपको ये एक्चुअली इसमें है क्या। सो पहले टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट में क्या करना है, सी अगर हमें जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे ये एक लाइन है एंड हमें 3:4 या 3:5 रेशियो में हमें इस लाइन को डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? यस, सिंपल मेथड तो ये कहता है दैट इसे ना यार 8:3:5 में करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके ना। सो सिंपल मेथड ये कहता है दैट ये लाइन गिवन है एंड हम इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और इसको हम पहले के 3 ले लें और आगे के 5 ले लें। So, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, मींस इट्स 3:5 रेशियो, राइट। लेकिन हमें ये डायरेक्टली नहीं करना है, हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स यूज करने हैं सो दैट हम इस लाइन को मेजरिंग ना कर पाए और इक्वल आर्क्स ना बना पाए, ठीक है ना। सो हम मेजर कुछ नहीं कर सकते। सो अभी वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। यस, अब वैसे तो मैं कर लिया हुआ बट जस्ट डिवाइस। सो अभी हमें क्या करना है ना, हमें एक लाइन बनानी, मेक अ लाइन एंड ये होनी चाहिए एक्यूट एंगल पे। यार देखो इजियर के लिए ये लाइन बना रहे हैं बिकॉज अब इतनी लंबी लाइन बना दोगे एंड हम यहां से इसको बनाएंगे सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। बन तो यहां से भी जाएगा, है ना, बन तो यहां से भी जाएगा बट इट विल बी डिफिकल्ट। सो दैट इज वाई कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हो ना, उसमें भी आपको लिखना है मेक एन एक्यूट एंगल। सो अब एक्यूट एंगल बनाया, अब क्या करना है, अब वही चीज हमें 3:5 रेशियो में डिवाइड करना था। इस लाइन को डिवाइड करने की, इस लाइन को मतलब 8 बनाने की हो जाए, हम इस लाइन में 8 बना देंगे, ठीक है ना। आप 8 आप हो गए, कौन सी लेंथ के, कोई भी लेंथ, एनी लेंथ, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8th जो पार्ट है उससे आप इस लाइन से ज्वाइन कर दो, नेम देते हैं A B, हो गया तो यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स हैं, पूरी ABCD लिख दे क्या, नहीं, आपको एग्जाम में ये A1 A2 A3 यूज करनी है, ठीक है ना, पूरी ABCD नहीं लिखनी है। सो ओके 7 पॉइंट्स हैं क्या, A1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 पॉइंट, सो 8 पॉइंट्स बन गए। अब क्या करना है, अब हमें ये जो एंगल बना हुआ है ना, ये जो एंगल बना हुआ है, सिमिलर एंगल हमें थर्ड पॉइंट पे बनाना है,
थर्ड पॉइंट पे, बिकॉज 3:5 रेशियो में डिवाइड करना है ना, तो थर्ड पॉइंट पे ये सेम एंगल बनाना है और सेम एंगल बन जाएगा जब, देन वी हैव टू ज्वाइन दिस विद द अदर लाइन, ठीक है ना। सेम एंगल बना के आपको लाइन एक्सटेंड करनी है एंड इससे इंटरसेक्ट करनी है। अब इससे इंटरसेक्ट करने से होगा क्या, सी ये 3:5 है राइट, ये तो एग्री करते हो ये लाइन 3:5 है। अगर हम बीपीटी थ्योरम लगाएं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो एंगल की सिमिलैरिटी से साइड की रेशियो सेम रहती है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, सेम एंगल एंड कॉमन एंगल, अगर एक साइड की रेशियो 3:5 है तो दूसरी साइड की रेशियो भी 3:5 ही होगी। सो अब यही करना है आपको, और ये तो एक मेथड हो गया, ये तो एक मेथड हो गया, इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस यही करना है आपको। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बहुत लोग बहुत बच्चे बोलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लिखी नहीं जाती। एक बात बताओ मुझे, आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखनी है, ठीक है ना, आपको बहुत ज्यादा हायर लेवल ऑफ इंग्लिश लिखनी है, सिंपल लैंग्वेज में बस ये लिखना है आप क्या कर रहे हो, राइट। अब आप खाना खा रहे हो, अब आप चम्मच पकड़ोगे, राइट, अब आप रोटी खाओगे, तो आपको बस ये लिखना है उसमें भी कि अगर आप एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो आप क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हो। एंड आपको आई एक्सपेक्ट दैट आपको ये सब फॉर्मेशन तो अब आ ही गई है, बिकॉज इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ, इतना सब कुछ आ रहा है, राइट। तो ये सब चीजें तो बहुत अच्छी जाती थी, तो बिना तैयारी के जाओगे तो भी आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आराम से लिख दोगे यार, प्लीज बात को समझो, ठीक है ना। ये मत ट्राई करो मेरे तो बहुत मुश्किल है, इसको कैसे करेंगे, ट्राई तो करो, देखो तो सही चीज है क्या उसमें, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड ये कहता है हमारा, तो सेकंड स्टेप में भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वही तो बेसिक स्टेप है, ठीक है ना। लाइन ड्रॉ कर ली हमने, अब करना क्या है इसमें, इसमें भी सेम चीज, एक्यूट एंगल बनाओ, अब 3:5 के रेशियो में डिवाइड करना है ना, तो हम इसको 3 आर्क्स बना देंगे, ओके। बट अब इस बार क्या करेंगे, हम इसको नीचे से ले जाएंगे और ये जो एक्यूट एंगल है ना वो इसके इक्वल होगा, ठीक है ना, आपको एंगल उसके इक्वल बनाना है। अब मेरा पर्पस क्या है वो एंगल इक्वल बनाने का, सिंपल सा पर्पस ये है दैट मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। वाई, बिकॉज अब मैं जो ये 5 है ना, मैं यहां भी बना रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, ये 3, और सेम डिस्टेंस से बनानी है आपको। अब मैंने यहां पे भी बना दी, मतलब 3 एंड 5 मींस ये दोनों साइड 3:5 के रेशियो में हो गई। अब मैं चाहता हूं दैट मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दूं, ताकि मेरी ये जो साइड है ये भी, अब आप कहोगे ट्राइंगल बनानी है पहली बोली जाना, अरे 3 और 5 को ज्वाइन कर दो, बन गया, ठीक है ना। अब ये जो एंगल है हमारे इसकी इक्वल हो गया, और ये अब आप कहोगे सेकंड एंगल कहां से लाएं, तो सेकंड एंगल आप कहीं से भी ला सकते हो, बिकॉज अब ये दोनों जो हमारी साइड्स हैं वो पैरेलल हो गई हैं, मींस अब ये वाले एंगल भी इक्वल रहेंगे, पैरेलल की हुई है, सी दीज टू एंगल्स आर इक्वल, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, सो अब ये वाले एंगल भी इक्वल रहेंगे और ये वाले भी होंगे, सो आप दोनों में से कोई भी एंगल लेके प्रूव कर सकते हो कि ये हमारा सिमिलर है। प्रूफ क्या करना है आपको, बस अपने अंदर के समझना है, ये तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी है इसकी, तो सो दो मेथड हो गए। अब मैं क्या लिख सकता हूं, डिविजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट में 2 वेज है, ठीक है ना, इक्वली डिफिकल्ट, आपको जो सूट करता है वो ले लीजिए। आपको एक्यूट एंगल दोनों में बनाना है, आप दोनों में बनानी है, सो कुछ इसमें वो नहीं है, कुछ मतलब हमारा मुश्किल नहीं है, दोनों में ही आपका इक्वल लेवल है। बट एक चीज मैं बता दूं कि ज्यादा लोग सेकंड वाला प्रेफर करते हैं, वाई, बिकॉज उसमें ना 3 और 5 अलग अलग बनाते हैं, 3 और 5 अलग अलग बनाते हैं, दैट्स व्हाई ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, उसमें 3 और 5 एक ही जगह बनाना होता है, दैट इज वाई उसमें थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और क्वेश्चन के आंसर कभी कभी गलत हो जाते हैं, दैट्स वाई। बट स्टिल आपको जो सूट करता है प्लीज वही करिए। सो अभी इसके 2 वेज है, ठीक है ना, मेकिंग आर्क्स ऑन सेम साइड, सेकेंड मेथड मेकिंग आर्क्स
ऑन डिफरेंट साइड्स, ठीक है ना। सो अब हमारी सेकेंड थिंग क्या है, हमारी सेकेंड थिंग ये है टेंजेंट्स टू अ सर्कल। यार अब टेंजेंट्स टू अ सर्कल से यार समझ तो आता नहीं है कि हाँ जी कि मतलब हमें कैसी टेंजेंट बनानी है, टेंजेंट्स टू अ सर्कल वो तो कैसी ही बन सकती है। सो ये भी बहुत सारे वेज हैं इसको बनाने के। सबसे पहला तो सिंपल वे, नो पॉइंट गिवन एक्सेप्ट सेंटर, ठीक है ना। तो नो पॉइंट गिवन एक्सेप्ट सेंटर, अब इसका मतलब क्या है, ये सर्कल है हमें बस सेंटर दिया गया है, बस टेंजेंट बना दो, बस एक टेंजेंट बना दो और कुछ नहीं चाहिए। सो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी रेडियस बनाया 90 डिग्री एंगल बनाओ, बस टेंजेंट बन गई। इसको नेम दे दो लाइक ए बी एंड यू कैन से दैट द ए बी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। सो ये हमारा हो गया सिंपल मेथड, हमें सिंपली सॉल्व करना है। सेकेंड क्या कहता है हमारा, सेकेंड हमारा कहता है दैट सेंटर इज गिवन एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑल्सो गिवन। इसका क्या मतलब है, हमने एक सर्कल बनाया, अब हमें सेंटर भी गिवन है, हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट भी गिवन है, अब क्या करें। अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज दैट इनको ज्वाइन करना है। अब जो टेंजेंट बनने वाली है उसका और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। सो हमें सिर्फ वो इंश्योर करना है कि यहां से कोई भी यहां पर लाइन टच करे बस वो रेडियस से 90 डिग्री एंगल बनाती हो और कुछ नहीं चाहिए बस। सो वो कैसे क्रिएट करेंगे हम, सबसे पहले तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे इस लाइन का। मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये निकला है, इससे क्या करना है, इससे हम सर्कल बनाएंगे लाइक इसको हम रेडियस मान लेंगे एंड इससे हम सेमी सर्कल बना लेंगे। अब सेमी सर्कल से होगा क्या कि दैट व्हेन यू विल जॉइन दिस लाइन विद द सर्कल, अब ये जो एंगल है हमारा ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये जो हमारा एंगल है 90 डिग्री बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल, राइट। ये आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था दैट जो यहां पर एंगल होता है सर्कल का एट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। सो मीन्स अगर यहां 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है ना 180 डिग्री, तो यहां पर 90 डिग्री होगा। सो ये लॉजिक समझ आया। अब आपको क्वेश्चन ये आता जाएगा, मैं कह रहा हूं 3-4 कंसेप्ट से बस उसमें से ही आ सकता है क्वेश्चन, और कहीं से नहीं आ सकता। बस वैल्यूज डिफर करेंगी, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, बट चीज यही रहेगी, करके यही आना है और कुछ नहीं करके आना, ठीक है ना। सो ये आ गया हमारा, हमें बस कोई हमें एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है उसको ज्वाइन करना है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है एंड बाइसेक्टर जो आएगा उससे हमें एक सेमी सर्कल फॉर्म कर देना है जिससे कि हमारा ये एंगल है वो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब कंसेप्ट समझ आ गया। अब आपको आएगा कि हाँ जी एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करना है, सबके दिमाग में आएगा अरे यार इसको तो हमें अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें तो एक सेमी सर्कल चाहिए एंड ये सॉरी सेमी सर्कल है, फुल सर्कल बनाना पड़ेगा बिकॉज सम ऑफ द क्वेश्चंस में दो टेंजेंट्स मांगी होती है, ठीक है ना। तो आप सेफ साइड पे दो ही आप पूरा सर्कल बना देना बिकॉज दो टेंजेंट्स कहीं कहीं मांगी होती है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नहीं कहीं कहीं क्या इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये मांगी होती है, दो टेंजेंट्स मांगी होती है। सो आपको फुल सर्कल बनाना है। अभी आपको बस ये याद रखना है ये क्वेश्चन आ गया अरे यार इसके लिए तो मुझे 90 डिग्री एंगल चाहिए इसलिए मुझे ये सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब सिंपल में बता दू, सिंपल में एक और चीज आ जाती है,
सिंपल में एक और चीज आ जाती है, सेंटर इज अननोन। सेंटर इज अननोन, सेंटर ही नहीं पता। ये सर्कल है हमारा, आपको सेंटर नहीं पता, बस टेंजेंट बना दो। मतलब आपको ना सेंटर पता है ना रेडियस पता है, आपको बस टेंजेंट बनानी है, कैसे भी बनाओ। सो अब ये है थोड़ा डिफिकल्ट, बट इसके स्टेप्स बहुत इजी हैं, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। सी कुछ नहीं करना, एक ट्राइंगल बना दो, बस एक ट्राइंगल बना दो, बस एक ट्राइंगल बना दो। एंड इसमें से कोई भी पॉइंट पकड़ लो, इसमें से कोई भी पॉइंट पकड़ लो, जैसे मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, इसके ऑपोजिट जो एंगल है ना ये वाला, मेक दिस एंगल ऑन दिस साइड, यहां पर वो एंगल बना दो एंड एक सीधी लाइन दे दो, योर टेंजेंट इज हियर। सो सिंपल, मतलब कुछ भी नहीं किया, सेंटर अननोन है, हमें बस ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू हमें देनी है। आप कहोगे यार अगर मेरा जो ट्राइंगल है वो डिफरेंट हुआ तो, इससे डिफरेंट हुआ तो भी क्या सेम आंसर आएगा? हाँ सेम आएगा, तब भी टेंजेंट और रेडियस की वजह 90 डिग्री का एंगल होगा। एंड ये क्यों होगा वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले सेंटर यहां एज्यूम कर लेते हैं, एक सेंटर है, ठीक है ना, अभी हमने लाइन डाली, अभी रेडियस है, राइट, रेडियस मींस ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, राइट। अब हमें ये पता है रेडियस और टेंजेंट की वजह 90 डिग्री एंगल होता है। अगर इसको मैं थीटा एंगल मान लूं तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सिमिलरली ये भी 90 माइनस थीटा। और अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 2 थीटा। और अगर मैं 9th वाला थ्योरम लगाऊं दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एनी अदर पार्ट ऑफ द ट्राइंगल, सो ये वाला एंगल मेरा भी फिर थीटा हो जाएगा। एंड एक बात बता दूं, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है ना, ऑल्टरनेट सेगमेंट, बिकॉज ये हमारी ऑल्टरनेट सेगमेंट है, ठीक है ना, हमने ये वाली सेगमेंट से एंगल बनाया और ये वाली सेगमेंट में एंगल निकला, ठीक है ना। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का मतलब ये है दैट ये जो एंगल हमारा बनेगा, ठीक है ना, कोई भी एंगल हो, हमने कोई भी ऐसी सेगमेंट बना दी, कोई भी ट्राइंगल बना दिया, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो इसके इक्वल होगा तभी वो टेंजेंट होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फिर से सिंपल वाला। नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट हमारा होगा सेंटर इज ओके, अभी ये सेंटर इज नॉट गिवन, सेंटर इज नॉट गिवन, अभी अननोन हमने कर लिया, बट इसमें कुछ ट्विस्ट है, एक्सटर्नल पॉइंट इज गिवन, एक्सटर्नल पॉइंट इज गिवन, मीन्स दैट ये जो सर्कल है हमारा, ये सर्कल है हमारा, यहां पर पॉइंट है, आपको उसी पॉइंट से बनाना है, जैसे इसमें आपने कहीं भी बना दी वो नहीं चलेगा। एंड इसकी जो स्टेप्स, जो हमारे स्टेप्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एंड ये डिलीटेड पोर्शन है, सो दैट्स व्हाई आप ना करो तो ज्यादा सही है, अपने बोर्ड्स के बाद सिर्फ जरूर ट्राई करना, बहुत मजा आएगा ये वाला। मतलब आप कोई भी, अगर आप मैथ्स लवर हो, आपको अगर कोई भी हिडन पार्ट है, कोई भी जो आपको मजा, जो भी मतलब नहीं करा आपने, उसमें आपको मजा जरूर आता है, ठीक है ना, कोई भी न्यू कंसेप्ट समझो मैथ्स का, मजा जरूर आता है जो मैथ्स लवर है हमारे। सो अभी बस यही है, अब और कुछ है तो मुझे ढूंढ के दिखा दो, नहीं आप बस मुझे ढूंढ के दिखा दो अगर इसके अलावा कुछ भी बुक में मिलता है तो। मैंने ये भी लिख दिया साथ में, यस हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अब ढूंढने मत बैठना, मुझे याद आ गया एक और चीज है, सिमिलर ट्राइंगल्स बनाने की, वो भी नहीं है, डिलीटेड पोर्शन है, वो सिमिलर ट्राइंगल्स भी नहीं आ रहे कि हमें मतलब एक ट्राइंगल दिया गया है एंड उससे सिमिलर हमें एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है ना, सो वो भी नहीं है हमारे सिलेबस में। सो करना हो सो एनसीईआरटी बुक खोलो, ट्राई करो, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन है, एक्सरसाइज है बहुत सारी है, तो आप बस कर सकते हो, उसे मजा आ जाएगा, और एनसीईआरटी क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। अभी बस अभी मैं अगर इसको अगर मैं हटा दूं ना सिलेबस में, आपके पास यही है, सिलेबस में आपके पास यही है और कुछ भी नहीं है, टू लाइंस। और मेन बात ये है दैट
आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यार, पता है बस, या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, फाइव थिंग्स, आपको खाली पांच 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 मेथड याद करने हैं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एपी में भी तो फॉर्मूलाज हैं, उसमें भी तो चार पांच फॉर्मूला है, बट उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा है तो ये क्या होगा, वैसा है तो ये क्या होगा, ठीक है ना, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इसमें आ ही नहीं सकते ना, इसमें पांच मेथड है, ये क्वेश्चन आया पूरा पूरा मेथड टेप के आ जाओ, ये पूरा मेथड टेप के आ जाओ, बस अंडरस्टैंडिंग है तो ये चैप्टर बहुत इजी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन मैं ले आऊंगा, चिंता मत करिए, आप सोचोगे कि यार कंपस तो है नहीं कैसे समझाऊंगा मैं, सो उसकी चिंता आप मत कीजिए, आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं करा के रहूंगा, एंड आई एश्योर यू दैट द वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। कल आएगी क्वेश्चन की सीरीज, यस हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे अब, बिकॉज इसमें मैं क्या ही ढूंढूं, आपको मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इजी चैप्टर है, हार्ड इजी, हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, हार्ड इजी मैं ले आऊंगा, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, थैंक यू सो मच, प्लीज अगली वीडियो में जरूर आना।